जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी, ऋषि पराशर जोशी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से और अपने सीनियर जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी महत्वपूर्ण बात करता हूं आपसे, जिसके ऊपर पूरी कुंडली की कैलकुलेशन टिकी होती है। पूरी कुंडली की कैलकुलेशन योग कारक और मारक ग्रहों पर टिकी होती है। दर्शकों, ये मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि योग कारक ग्रह मारक बन सकता है, लेकिन मारक ग्रह सदैव मारक ही रहता है जब तक उस पर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। तो ये बात ध्यान देने योग्य है दर्शकों। ये आपके पास मैंने कुंडली लगाई है, ये एरिज लगन की कुंडली है, यानी मेष लगन की कुंडली, क्योंकि इसके पहले घर में एक नंबर लिखा हुआ है। ये कुंडली का पहला घर होता है जो आप स्वयं होते हो। इसमें एक नंबर लिखा हुआ है और एक नंबर का मालिक और आठ नंबर का मालिक मंगल देवता होता है, दो नंबर और सात का मालिक शुक्र देवता होता है, तीन और छः का मालिक बुध देव होता है, चार का मालिक चंद्रमा, पाँच का मालिक सूर्य देव और नौ और बारह का मालिक बृहस्पति देवता, दस और ग्यारह के मालिक शनिदेव होते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब इसको यहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए। ये कुंडली का लगन है, इसको पहला घर कहते हैं। कुंडली में मंगल देवता की सुप्रीम पावर आ गई, मंगल देवता एज ए चीफ मिनिस्टर हो गए इस कुंडली के, जिनके पास पहला घर भी आया और आठवां घर भी आया। ये इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह बने, लेकिन प्लेसमेंट्स की बात अभी हम नहीं कर रहे, वो हम बाद में करेंगे। पहले आप इस खाली कुंडली को देखिए कि कुंडली में मंगल कहीं भी पड़ा हो सकता है। मंगल देवता ने शुक्रदेव को क्या दिया, धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दे दिया और दाम्पत्य सुख दे दिया। मैंने आपको पिछली कड़ियों में अष्टम टू अष्टम थ्योरी समझाई थी, अगर वो यहां आप अप्लाई करोगे तो यहां पूरी तरह वो एप्लीकेबल होगी। आठवें घर से बारहवां घर, ये सातवां घर बना और लग्नेश मंगल का एंटी पार्टी, इसलिए शुक्र देवता इस लग्न कुंडली का मारक ग्रह बन गया। आठवें घर से आठवां घर और उससे बारहवां और लग्नेश मंगल का एंटी पार्टी, तो ये मारक ग्रह बन गया। शुक्र देवता इस लग्न कुंडली में कभी अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि वो मारक ग्रह है कुंडली का। मंगल देवता ने बुध देव को क्या दिया, तीसरे घर का मालिक बनाया और छठे घर का मालिक बनाया। ये डिपार्टमेंट बुध देवता को दिया और ये डिपार्टमेंट बुध देवता को, या दोनों ही गड़बड़ डिपार्टमेंट। ये छोटे भाई बहन, पराक्रम, अनसर्टेन, मेहनत, फजूल की छोटी यात्राएं, ये सारी चीजें करवाता है। छठा घर रोग, ऋण, दुर्घटना, मुकदमा, एक्सीडेंट, शत्रु, हाउस ऑफ कंपटीशन, ये सारी चीजें करवाता है। दोनों ही बुरे डिपार्टमेंट, जो आज के जीवन में कोई भी इंसान ज्यादा नहीं चाहता, जितना कम हो ये उतना अच्छा। तो मंगल देवता ने अपनी शत्रुता निभाते हुए बुध देव को दोनों ही बुरे डिपार्टमेंट दे दिए, तो बुध देवता मेष लगन की कुंडली में अति मारक ग्रह बन गया। बात करते हैं चंद्रमा देवता की। मंगल देवता और चंद्रमा देवता आपस में दोनों ही अति मित्र हैं और एक ही पार्टी के हैं। अगर आप ध्यान से गौर वो पिछला वाला चार्ट करोगे, जो मित्र शत्रु वाला मैंने समझाया था, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही कैटेगरी के लिखे थे, तो मंगल के साथ चंद्रमा उसका अति मित्र, उसको बहुत मेजर डिपार्टमेंट मंगल देवता ने दे दिया सुख सुविधाओं का, क्योंकि ये इसका अति मित्र है। तो मित्रों को अच्छे डिपार्टमेंट, जैसे एक चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर जब गद्दी पे बैठता है वो अपने मित्रों को अच्छे डिपार्टमेंट देता है, उल्टी पार्टी वालों को या अपने शत्रुओं को कोई भी अच्छा डिपार्टमेंट वो नहीं देता। उसी तरह मंगल देवता ने ये डिपार्टमेंट अच्छे मित्र होने की वजह से इसको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट दे दिया, सुख सुविधाएं, माता, गाड़ी, वाहन का। मंगल देवता ने सूर्यदेव को क्या दिया, सूर्यदेव की राशि होती है पांच नंबर, इस घर का मालिक बना सूर्यदेवता, संतान दे दी, बुद्धि दे दी, अनसर्टेन गेन दे दिया, रोमांस दे दिया, ये सारी चीजें मंगल देवता ने सूर्यदेव को दे दी, त्रिकोण में एक जगह दे दी, एक पांच नौ ये त्रिकोण हो गए, ये त्रिकोण में सूर्यदेव को जगह दे दी। बात करते हैं बृहस्पति देवता की। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि को भी ये मूल त्रिकोण में जगह दे दी, साधारण राशि में ये खर्च का डिपार्टमेंट बृहस्पति देव को दे दिया, क्योंकि इसकी मित्रता है बृहस्पति देव के साथ। वही मित्रता निभाते हुए मंगल देव ने बृहस्पति देव को नौवें घर का मालिक बनाया और खर्च का, व्यय का मालिक बनाया। ये भाग्य का डिपार्टमेंट है और कुंडली के त्रिकोण है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है।
प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, प्लेसमेंट की बात बाद में करेंगे, ये अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट। बृहस्पति देव को दो डिपार्टमेंट मिल गए, उसके बाद बारी आई शनि देव की। मंगल देवता ने शनि देव को क्या दिया, प्रोफेशन दे दिया और लाभ दे दिया, कर्म भी आप करवाओ और पैसे भी आप दो। मंगल देवता और शनि देव आपस में दे आर बिटर एनिमीज, अति शत्रु हैं और दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। दोनों में क्रूरता होने की वजह से और दोनों के अच्छे डिपार्टमेंट होने की वजह से मंगल देवता की कुंडली में या ये मेष लगन की कुंडली में शनि देव एक समग्रह हो गए। समग्रह क्यों हुए, दोनों के पास अच्छे डिपार्टमेंट लेकिन लग्नेश के अति शत्रु, तो शनि देव इस कुंडली में सम गिने जाएंगे। कारक ग्रह कितने बने, मंगल इसमें कारक ग्रह बना, चंद्रमा इसमें कारक ग्रह बना, सूर्य इसमें कारक ग्रह बना और बृहस्पति इसमें कारक ग्रह बना। शनि देवता इसमें सम ग्रह बन गए, शनि देव 10वें और 11वें घर के मालिक बने और लग्नेश के अति शत्रु होने की वजह से इसमें ये सम ग्रह की पदवी प्राप्त हो गई और इस समता के ही रिजल्ट देगी। लेकिन मित्रों ये बात बड़ी आधी अधूरी सी है, जो मैंने बात कही उसे पूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए इसके आगे इसकी प्लेसमेंट्स मैटर करती हैं। वो प्लेसमेंट्स रिजल्ट देने के कैसे काबिल बनेंगी और कैसे कारक ग्रह मारक बन जाता है ये उसकी प्लेसमेंट डिसाइड कर लेगी। मान लीजिए मैंने मंगल कहा इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह है, लेकिन मंगल ही उठ के अगर चौथे घर में नीच का पड़ा हो तो मंगल इस कुंडली का बंटाधार करने वाला ग्रह हो जाएगा। कारण, सबसे बड़ा कारण उसमें ये होगा कि मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह बन गया जो कभी भी रिजल्ट देने के काबिल नहीं बनेगा। तो शनिदेव इस कुंडली में सम ग्रह हो गए क्योंकि दोनों बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं शनिदेव के पास, लेकिन चीफ मिनिस्टर से उसकी बिल्कुल नहीं बनती या लग्नेश मंगल के वो अति शत्रु होने की वजह से इस कुंडली में शनि सदैव समता का ही रोल प्ले करेगा। ये तो हुई दर्शकों बेसिक्स की बात। अब इससे आगे जो मेजर स्टेप है वो आपको समझना है और वहीं लोग गड्ढा खाते हैं। गड्ढा कैसे खाते हैं, मान लीजिए मैंने कहा मंगल इस लगन कुंडली का सबसे कारक ग्रह है, लेकिन मंगल ही उठ के अगर यहां बैठा हो, चौथे घर में चौथी राशि में बैठा हो, यहां मंगल नीच का हो जाएगा, कभी भी पूर्ण कुंडली में अच्छा फल नहीं देगा, सबसे मारक ग्रह बन जाएगा क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ होगी और यहां वो नीच का हो जाता है। माता से परेशानी, दाम्पत्य सुख से परेशानी, कामकाज में परेशानी, लाभ में परेशानी। तो यहां अगर किसी ने आपको उसका पेंडेंट पहना दिया, एरीज लगन सोच के त्रिकोण का पेंडेंट पहना दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। बात सूर्यदेव की करते हैं, सूर्य देवता अगर लगन कुंडली में यहां आ जाए तो उस शख्स का, उस जातक का कार्तिक का जन्म हो जाएगा, उसे रूबी नहीं पहनाना है, उसे कार्तिक का पूजन करवाना पड़ेगा। और पंडित जी ने अगर 159 का वही फार्मूला रटा रटाया कोटा लगाया हुआ आपको पंडित पेंडेंट पहना दिया तो नुकसान तय है। संतान से प्रॉब्लम, मेंटली डिस्टर्बेंस, स्टमक में प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉसेज, यहां नीच का सूर्य हुआ तो दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम और यहां नीच की दृष्टि पड़ी लगन में आपकी स्वयं की हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स। तो मतलब ये हुआ दर्शकों कि प्लेसमेंट ग्रह की मैटर करती है कि अगर प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाए तो ग्रह कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने के काबिल बनता। अगर मंगल देवता लगन कुंडली में यहां बैठ जाए तो बुरा फल देगा, कभी रतन मत पहन लेना गलती से भी। मंगल यहां ओन साइन का हो जाए, कभी रतन मत पहन लेना, हमेशा बुरा रिजल्ट देगा। मंगल यहां बैठ जाए सदैव बुरा रिजल्ट देगा और वो कुंडली का मारक ग्रह बन जाएगा और पंडित जी उसको सबसे कारक ग्रह गिनेंगे, वहां मुसीबत आपके लिए शुरू हो जाएगी। यहां हमें उसका पाठ पूजन करना पड़ेगा, यहां इवन के दान भी करना पड़ेगा क्योंकि कारक ग्रह है, यहां बैठा तो खर्च की वृद्धि कर देगा, अपनी दशा अंतरा में अस्पताल तक का खर्चा करा देगा, जेल यात्रा तक करा देगा और सिर्फ आपने मेष लगन सोच के वो त्रिकोण धारण कर लिया तो मुसीबत को दावत स्वयं आपने दे ली। ये बृहस्पति देवता लगन और ये नवम भाग्य और खर्च का मालिक है, लेकिन बृहस्पति देवता अगर यहां प्लेसमेंट में आ जाए तो नीच का हो गया, कभी भी कामकाज की सेटलमेंट में अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला, सदैव प्रॉब्लम्स देने वाला है। बृहस्पति देवता यहां बैठ जाए ये पिता को भी प्रॉब्लम्स देने वाला है, भाग्य को भी प्रॉब्लम देने वाला है, काम जल्दी नहीं बनाने वाला, यहां प्रॉब्लम्स निश्चित हैं।
तो फिर ये कारक ग्रह नहीं रहा। अगर उसकी दशांतरा चलेगी तो एट्थ घर के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट, जहां उसकी दृष्टियां पड़ी वहां भी वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। बृहस्पति की दृष्टि 5, 7 और 9 मानी जाती है। बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देव इस कुंडली में मारक ग्रह है और सदैव मारक ही रहने वाला है। मान लीजिए लगन में पड़ा हो, अपने घर को देख रहा हो, दाम्पत्य सुख तो स्टेबल कर देगा, लेकिन अपनी दशांतर दशा में कभी भी बंदे के काम जल्दी और आसानी से नहीं होने देगा। बुध देवता पूरी कुंडली में कहीं भी चला जाए, जब तक उस पर कोई थ्योरी ना अप्लाई हो गई हो, तब तक वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, क्योंकि इस कुंडली का सबसे मारक ग्रह बुध देवता बनता है। काम काज में आ जाए, लगन में आ जाए, यहां 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 आ जाए, हर घर को नुकसान देने वाला है। माता के घर में पड़ा हो माता को नुकसान, पत्नी के घर में पड़ा हो बुध देव तो पत्नी को नुकसान, काम काज में पड़ा हो तो काम काज को नुकसान, पिता के घर में पड़ा हो तो पिता को नुकसान, लाभ में पड़ा हो तो लाभ में भी नुकसान, परिवार में पड़ा हो तो परिवार में भी कलह क्लेश और नुकसान देगा, क्योंकि इस कुंडली का मारक ग्रह है, वो सदैव मारक रहने वाला है। सूर्य देव की बात करें, लगन में बैठा हो बड़ा अच्छा फल देने वाला हो गया, सप्तम में बैठा हो बुरा रिजल्ट देने वाला हो गया। तो प्लेसमेंट मैटर करती है ग्रह की। अगर पंचम लॉर्ड सूर्य छठे में बैठ जाए, संतान सुख कभी नहीं होने देगा। संतान होगी तो आपके लिए मुसीबत लेके आएगी, संतान होगी तो आपके लिए टेंशन कर्जा रोग लेके आएगी। सूर्य देव यहां बैठे हो, जल्दी पहली बात तो संतान होगी ही नहीं, अगर होगी तो वो खुद भी बीमारियों में गिरी रहेगी और आपको भी परेशानियां ही देगी। आंढ़ गुआंढ़ तो अलंबे आंदे रहते हैं, वो मुसीबतें साथ में जुड़ी होती हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा क्लेश ऑब्स्टेकल, जहां आपको खर्चा पैसे देके छूटना पड़े अगर यहां सूर्यदेव बैठे हो। और यहां उसको एक्टिवेट मत कर लेना रूबी पहनकर, नहीं तो कहीं के नहीं रहने वाले हम लोग। यहां पड़े हो सूर्यदेव, यहां भी औलाद संबंधी प्रॉब्लम्स ही देंगे। तो कारक ग्रह होते हुए भी अपनी प्लेसमेंट की वजह से वो मारक बन गया। यहां पड़े हो सूर्यदेव तो अच्छा हो गया, पिता के लिए अच्छा हो गया, यहां पड़े हो कामकाज के लिए अच्छा हो गया, यहां पड़े हो 11वें घर के लिए अच्छा हो गया। तो प्लेसमेंट मैटर करती है दोस्तों, ये बात सदैव याद रखिएगा। जाते जाते आज का टिप देता हूं आपको, याद रखिएगा, हमारे घरों में नई नई चीज़ें लाने का बहुत रिवाज भी होता है, ज़रूरत भी होती है, थोड़े टाइम बाद चीज़ें पुरानी हो जाएं, बेड लाना है, सोफ़ा लाना है, घड़ी लानी है, ज्वेलरी लानी है, कोई भी चीज़ लानी हो, सदैव जो चीज़ें आपके साथ थोड़ा लंबा चलनी हो या आप 2-4 साल का पीरियड मान के चलो, सदैव वीरवार या शुक्रवार को लाएं, यानी थर्सडे या फ्राइडे लेके आएं। थर्सडे देवगुरु का दिन माना जाता है, फ्राइडे दानव गुरु का दिन माना जाता है। तो अपने घर में जो लंबी चीज़ चलने वाली हो, कोई भी लानी हो, तो सदैव शुक्रवार या बृहस्पतिवार को ही लाएं। ये दोनों गुरुओं के दिन माने जाते हैं, बृहस्पति देवगुरु हैं, शुक्राचार्य दानव गुरु हैं, तो वो चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा चलती है। तो दर्शकों, आज आपने समझा कि मेष लग्न की कुंडली में कैसे प्लेसमेंट बदलने की वजह से कारक ग्रह कितना बुरा रिजल्ट देता है। इस बात को कैलकुलेशन करते वक्त सदा ध्यान में रखें, कारक ग्रह सदैव कारक नहीं रहता, वो मारक भी हो सकता है, लेकिन मारक ग्रह सदैव मारक रहता है जब तक उस पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो। मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ आप सबसे आज्ञा लेता हूं और ये मंगल कामना करता हूं कि शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि देव।